हे गाइस, स्वागत है आपको मेरे चैनल प्रतिमा त्रिपाठी पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर। कहाँ जाएंगे वो हमने डिसाइड नहीं किया, अभी डिसाइड करके आपको बताते हैं। चल दें, बाय। शिवरात्रि का मेला, ओ माय गॉड, इतनी भी क्या जल्दी थी मरने की, तुझे शौक है और चूड़ियां देखो, फिर भी कर पाया नहीं स्पिट, क्योंकि शायद आदत है तुझे सॉलो करने की। गाना बंद कर दो यार। हाँ, शिवरात्रि का मेला बस खत्म, इतना ही मेला था। जब जहाँ में पार्किंग मिल जाए, है कि नहीं। लाइफ में ऑलरेडी इतना स्ट्रगल है, पार्किंग के लिए स्ट्रगल कौन करेगा, है कि नहीं। पूरा राजपुर रोड का राउंड मारने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे डोमिनोज, क्योंकि वहीं पे पार्किंग की जगह है। बाकी जगह पे गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं है, और 50 रुपये पार्किंग का लेते हैं भाई। बताओ, 50 रुपये में इंसान कुछ खा भी सकता है। पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि हम अपनी फेवरेट जगह पे जा नहीं सकते हैं। डोसा क्राफ्ट, इतनी क्यूट छोटू सी जगह है। तो सिंसू बार देखिए आप लोग भी, अब देखिएगा अच्छे से सिंसू बार। ट्रैफिक देखो, शाम को ट्रैफिक, गाड़ियाँ रहती हैं यार। एक गाड़ी का रेटर लगेगा, बढ़िया वाला कम। ब्लू स्टार मोटर्स, ये हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है ना। सर हमें ऑडी दिखाते ना, देखिए बिकियो टू, कितने की आती है ये? बहुत सस्ती है। बहुत सस्ती मतलब कितनी सस्ती भाई? ऑडी है वो, सबसे सस्ती ऑडी है, चाहे जो भी है पर ऑडी तो है ना। सो गाइस, हमारा प्लान चेंज हो गया, हम जा रहे हैं बीकानेर वाला, हम डोमिनोज नहीं जा रहे। हाय, ये जॉनी वॉकर की दुकान है यार, चल के देखें क्या, महंगी आती है ना। वो लगता है स्पिरिट की दुकान है वो। स्पिरिट मतलब दारू? दारू ही पता मुझे, मुझे पता है जॉनी वॉकर क्या होता है। मैंने कॉलेज में प्रेजेंटेशन दिया जॉनी वॉकर के ऊपर, तो मैं तो जॉनी वॉकर तो भूल ही नहीं सकती हूँ मैं। चलो ऐसा कुछ खोलने में भी सोच रहा हूँ, मिलते हैं अब बीकानेर वाला के अंदर। सो गाइस, हम आ गए हैं बीकानेर वाला में। ये आ गई हमारी राजा चौड़ी, ये हमारा फ्राइड राइस मंचूरियन, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं आई, पैसा दिया है, भूख लगी थी, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए खा रही मैं इसको। उन्होंने सोया सॉस जो उन्होंने डाला है ना मंचूरियन में भी, फ्राइड राइस में भी, खा के दिखाओ। मैंने क्या कहा था पहले कि हम जहाँ पार्किंग मिलती है वहाँ पे जाते हैं खाने के लिए, मुझे तो जरूर बदलना पड़ेगा। पार्किंग के चक्कर में ऐसा खाना खाना पड़ता भाई, जब लाइफ में इतना स्ट्रगल कर ही रहे हैं तो पार्किंग थोड़ी और कर लेंगे। और एक बात बोलता हूँ, 20 रुपये यहाँ पर मिली है पार्किंग के। और इसके अगर आप आ रहे हो ना बीकानेर वाला, डू नॉट एवर ऑर्डर फ्राइड राइस मंचूरियन, इतना ज़्यादा टैंगी है ना, इतना ज़्यादा टैंगी है। आई एम नॉट इवन किडिंग, मतलब
हद है यार, हद है। कैसे खाली मेरा मेरे इस एक्सपीरियंस से आप लोग भी कुछ सीखो, पार्किंग के चक्कर में मतलब नहीं पार्किंग मिल रही है थोड़ा वेट कर लो और वहीं जाओ जहाँ का मन कहता है। तो हम जा रहे हैं बीकानेर वाला से, बहुत ही मायूस होके ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं, मतलब बुराई नहीं करना चाहिए किसी की भी, पर खाना बहुत बहुत ही बेकार था मतलब। और ये हर बीकानेर वाले का नहीं है, मतलब मैंने बहुत बीकानेर वाला में खाया है, मतलब हमारे इलाहाबाद में भी था, दिल्ली में भी खाया, देहरादून में ही पता नहीं क्यों अजीब सा टेस्ट आ रहा था खाने का। डिसअपॉइंट हो गया यार मैं, मेरा मूड ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों। अच्छा खाना ना मिले तो मूड तो ख़राब हो जाता है यार। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में एक टर्किश आइसक्रीम वाला मिला था, मिला क्या, एक दुकान गई वो टर्किश आइसक्रीम वाले करते ना, मतलब इधर उधर करके आइसक्रीम देते हैं, मेरे दोनों को इंटरेस्ट नहीं था ना उसको देने में ना उसको लेने में। मतलब सही में यार अगर कोई बंदा आइसक्रीम लेने गया, मतलब अगर कोई आइसक्रीम लेने गया इसको पता ना हो कि टर्किश आइसक्रीम है क्या, कि वो लोग ऐसे करते ही हैं, सबके साथ ही करते हैं ऐसे एक घंटा घुमाने फिराने के बाद तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी, ना जानते हो नहीं चाहता और कोई जिसको पता ना हो गया लेने के लिए कि मैं अपने घर से जा रहा हूँ कि ठीक है आइसक्रीम वाला की दुकान है लेकर आता हूँ, और वो एक घंटा उसको छिकाए तो भाई गुस्सा तो आएगा ही। और हमने ले लिया है अलेक्जेंडर के लिए डेंट्रेक्स, तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं अपना वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।